देख रहे हैं केवल मोतिहारी के मोती झील को भी पर्यटक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर सुंदरीकरण से लेकर नौकायन आदि की व्यवस्था हो रही है। उत्तर बिहार के सभी मन बूढ़ी गंडक नदी की धारा बदलने से विकसित हुए हैं। लॉ लैंड होने के कारण यह नदियों के झाड़न के रूप में विकसित हो गए। इन्हें जलीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना पर्यटन को समृद्ध करेगा। रंग बिरंगी पक्षियों व पेड़ पौधों से परिपूर्ण है सरोमन का इलाका।